प्लांट के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और जो प्लांट की प्लेसमेंट होती है उससे डिटरमाइन करते हैं हम कि उसको कितनी सनलाइट मिलेगी। हम बोलते हैं कि उसको डायरेक्ट सन में रखिए, इनडायरेक्ट सन में रखिए, इंडोर रखिए, आउटडोर रखिए, बट इनका मतलब क्या होता है वो आज मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बताने का ट्राई करूँगा। मैं अभी अपने टेरेस में हूँ, तो जो ये वाली डायरेक्शन है ये साउथ फेसिंग डायरेक्शन है, लेफ्ट में मेरे ईस्ट फेसिंग है और राइट में वेस्ट है। तो जो सन है वो यहाँ से राइज करता है और वो पूरा यहाँ पे रिवॉल्व करके यहाँ पे सेट करता है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा डायरेक्ट सन रहता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 to 7 hours ऑफ डायरेक्ट सन रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमेशा ही सनी रहता है, ये वाला जो एरिया है वो डायरेक्ट सन वाला है। वहीं यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे एक वॉल है जिसके पीछे सारे प्लांट्स हैं, तो हैं ये भी छत पे, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट सन आता है, सिर्फ सुबह का थोड़ा सा यहाँ पे सन मिलता है, बाकी सनलाइट यहाँ पे बहुत कम आती है। तो जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं वो यहाँ पे मैंने रख रखे हैं, यहाँ पे मनी प्लांट्स हैं सारे, ये रेडर मचीरा है, ये रबर प्लांट है, सिंगोनियम्स हैं, और एक ये चेमेंडोरा पाम भी है। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट सन है और यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट सन है।